खेतलावास नारवाड़ा क्रिकेट महासंग्राम 2022 का हुआ भव्य शुभारंभ। उद्घाटन मैच में बायोसा माता कल्ब जीवना की टीम रही विजेता। खेतलावास के सवाई सिंह खेल मैदान में 10 दिवसीय क्रिकेट महासंग्राम का शुभारंभ समारोह पूर्वक हुआ। उद्घाटन मैच का आयोजन सायला थानाधिकारी प्रदीप डांगा के मुख्य अतिथि व सरपंच हजाराम चौधरी की अध्यक्षता में हुआ। बतौर विशिष्ट अतिथि के नाते खुमान सिंह, कनिष्ठ अभियंता जगदीश चारण, प्रधानाचार्य सुरेश कुमार, गणेशाराम, उदाराम विश्नोई, डोंगराराम राणा, पद्माराम प्रजापत, दशरथ सिंह राठौड़ सहित मौजूद रहे। प्रतियोगिता प्रभारी भैरू सिंह ने बताया कि इस आयोजन में राज्य भर की 44 टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें 8 समूह में बांटकर इस प्रतियोगिता को 10 दिवस में पूरा किया जाएगा। प्रतियोगिता में उद्घाटन मैच सायला व जीवाणा के बीच खेला गया, जिसमें बायोसा क्लब जीवाणा के कप्तान महेंद्र सिंह ने अर्धशतक बनाकर जीवाणा की टीम को विजेता बनाया। एम्पायर की भूमिका अरविंद पारंगी, विक्रम सिंह नारवाड़ा, कमेंटेटर शौकत खान, हनुमानाराम व जगाराम पटेल ने निभाई। प्रतियोगिता में विजेता को 1,11,000 व उपविजेता को 51,000 नकद राशि व ट्रॉफी भामाशाह नांजीराम चौधरी की ओर से प्रदान की जाएगी। इस दौरान कई भामाशाह व खेल प्रेमी मौजूद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि आपने मुझे बुलाया और जो मान सम्मान दिया है मुझे, इसके लिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। और मंच पर विराजमान सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, इधर भाई और जैन साहब, अब काफी हमने अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई, जान नहीं पाऊंगा, इसलिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन आप लोगों ने बुलाकर जो मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं हमेशा आपसे ऋणी रहूंगा। और रही बात अभी खेलों की, आप लोगों को पता ही है कि जिला ने जो क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पर रखी है, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सभी खिलाड़ी खेल की भावना से खेलें, और आप लोगों को जहां तक पता है खिलाड़ी एक अपने आप में एक अनुशासित शब्द है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्रिकेट प्रतियोगिता का पूरी अनुशासन से ऐसे ही पालना की जाएगी। सभी अपने खेल की भावनाओं से खेलेंगे, और क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ा जो रोल मैं मानता हूँ या देखता हूँ अंपायर का होता है। तो आयोजन कमेटी से मेरा निवेदन रहेगा कि अंपायर बिल्कुल निष्पक्ष हो, सही निर्णय दे, जिससे कि कोई वाद विवाद नहीं हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का आभारी प्रदीप।